तो आज मेरे घर पे आ गए मेरे पड़ोस वाले आंटी जी, और वो पूछने लगी कि आंटी जी ऐसा क्या बना रहे हो कि पूरे मोहल्ले में खुशबू आ रही। तो हमने उन्हें बताया कि आज बनने जा रहा है घर में दाल ढोकरी। तो वो पूछने लगी कि प्लीज़ मुझे भी इसकी रेसिपी शेयर करो। तो हमने सोचा क्यों ना इसका वीडियो ही बना लिया जाए। तो हमने कुकर में तुअर की दाल को 2 सीटी आने तक पका लिया है, और एक बर्तन में हमने व्हीट फ्लार लिया है, उसमें डाले हैं कुछ सूखे मसाले जैसे कि रेड मिर्च पाउडर, टर्मरिक, धनिया पाउडर, अजवाइन, जीरा, नमक और ग्रीन चटनी का पेस्ट, और ऊपर से डाला है थोड़ा सा ऑयल, और इन सबको कर देंगे हम मिक्स मिक्स मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कोरिएंडर अच्छे से चॉप किया हुआ, और इसको भी हम कर देंगे मिक्स। इन सबको मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। ध्यान रहे कि हमें इसे टाइट बांधना है, तो हम इसे धीरे धीरे करके गूंथ लेंगे। और आटा हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, इसका बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो अब हम इसे देंगे 5 से 10 मिनट का रेस्ट। तो जब तक ये रेस्ट कर रहा है, तो साइड में हमारी जो दाल थी वो अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो इसको हम कर देंगे मैश। और यहाँ पे हमारे कुछ मसाले रेडी है, तो हमने झोंक के लिए एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। तो जब तक ये ऑयल गरम हो रहा है, तो हमने एक कटोरे में थोड़ा सा पानी डाला, उसमें डाले सूखे मसाले, धनिया, टर्मरिक, रेड मिर्च, सॉल्ट, और ये ऑयल गरम हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम मेथी दाना। मेथी दाना डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, उसके बाद राई, फिर हम डालेंगे इसमें नीम के पत्ते, इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हम डालेंगे लहसुन। लहसुन जब तक शैलो ब्राउन हो रहा है, हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए टमेटो, और इसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे जीरा, और यहाँ पे चालू हो गई हमारी चिमनी। और अब हम डालेंगे इसमें ग्रीन चटनी का पेस्ट, और इसे भी हम कर देंगे मिक्स। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, और जो हमने मसाले का पेस्ट रेडी किया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम डाल रहे हैं फ्रेशली चॉप किए हुए कोकोनट, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और ऊपर से हम एडिशनली डालेंगे तिल, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर हम डालेंगे नींबू का जूस। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 नींबू का जूस डाला है, और इसको शिफ्ट कर देंगे हमारे कुकर में। और ये यहाँ पे हमारा दाल रेडी है, तो हम ढोकरी बनाएंगे। तो ढोकरी बनाने के लिए हमारा जो आटा हमने प्रिपेयर किया था, उसकी हम थोड़ी सी मोटी मोटी रोटियाँ बनाएंगे, नॉर्मल रोटी से थोड़ा मोटी मोटी रोटियाँ बेल कर इसे चेक्स में कट कर देंगे, और एक एक करके सारे चेक्स इसमें डाल देंगे कुकर में। और अब हम इसे 2 सीटी आने तक अच्छे से पकने देंगे, और आँच को कर देंगे फुल। और अब हमारा कुकर रेडी है, और ऊपर से हम डालेंगे धनिया और इसे अच्छे से गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है गार्निश करने के लिए, और उसमें डाली है हमारी दाल ढोकरी, ऊपर से धनिया से सजाया है, ऊपर से थोड़ा सा और कोकोनट डाला है, और यहाँ रेडी है हमारी दाल ढोकरी। प्लीज़ खाइए और बताइए कि आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब कीजिए।